बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये विंटर 2009 के पेपर 12 का क्वेश्चन नंबर 8 है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये कहता है अ प्रोग्रेशन हैज अ सेकंड टर्म ऑफ 96 एंड अ फोर्थ टर्म ऑफ 54। सेकंड टर्म 96 है, प्रोग्रेशन को फोर्थ टर्म 54 है। फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट टर्म प्रोग्रेशन का मालूम करें, हर केस में द प्रोग्रेशन इज अर्थमेटिक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर ए पी है, एपी है तो फर्स्ट टर्म वैल्यू करेंगे। कहता है द सेकंड टर्म इज 96, यानी सेकंड टर्म 96 है और द फोर्थ टर्म जो है वो 54 है। फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो फर्स्ट ए टू 96 है, ए टू का मकसद होगा हमारा ए प्लस डी 96 के बराबर है, और ए फोर का मकसद है कि ए प्लस 3D जो है वो 54 के बराबर है। तो हमें डी को एलिमिनेट करना होगा इस इक्वेशन में। तो इसको ये डी है, ये 3D है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 से करो तो डी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3A प्लस 3D इज इक्वल टू 96 इंटू 3। 96 इंटू 3 करेंगे तो ये आता है 288। उसको 1 से करें, A प्लस 3D इज इक्वल टू 54। अब इनको ये सब्ट्रैक्ट करें तो डी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस था माइनस, ये माइनस, ये प्लस था माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया। 3A माइनस A अर्थात 2A, 288 माइनस 54, 288 माइनस 54 बनता है 234। तो A हमारा आ जाएगा 117 आंसर, A तो आ गया। फिर पार्ट टू में कहता है द प्रोग्रेशन इज ज्योमेट्रिक विद अ पॉजिटिव कांस्टेंट रेशियो। प्रोग्रेशन जो है वो ज्योमेट्रिक और पॉजिटिव कांस्टेंट रेशियो है, तो उसका फर्स्ट टर्म मालूम करेंगे। ठीक है, तो अब इसी तरह देखें, सेकंड में ये मैं जीपी लिखता हूँ, ये कि जीपी है, जीपी है, तो इसका थर्ड सेकंड टर्म जो है वो 96 है और इसका फोर्थ टर्म जो है वो 54 है। इसी तरह इसने कहा है, तो देखिए सेकंड टर्म का मकसद होता है ए आर जो है 96 है और ए आर क्यूब जो है वो 54 है। इसको इसे डिवाइड करें तो यह था ए आर क्यूब अपॉन ए आर इज इक्वल टू 54 अपॉन 96 है। वैसे डिवाइड करते हैं, अगर लिख सकते हैं आप, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो आप इधर लिख दें 2 डिवाइडेड बाय 1, यही कर रहे हैं हम, 2 डिवाइड बाय 1। तो देखें ए एम ए कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब अपॉन आर आर स्क्वायर आता है 54 अपॉन 96। 54 अपॉन 96 में देखें अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आता है 9 अपॉन 16। 6 का इसके ऊपर 9 टाइम्स आएगा और टेबल, और 6 का इसके ऊपर 16 टाइम्स आता है। तो R, क्योंकि R पॉजिटिव कांस्टेंट का हुआ है, तो पॉजिटिव आ जाएगा 3 अपॉन 4। R 3 अपॉन 4 आ गया। अब आपका AR 96 है, AR इज इक्वल टू 96, तो A इंट R की वैल्यू है 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 96। तो A आ जाएगा 96 इंटू 4 अपॉन 3, तो A आ जाएगा 32 इंटू 4, तो 32 इंटू 4 जो बनता है ए बनता है 128।